हेलो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन 2016 तक कर चुके हैं, 2017 से। क्वेश्चन नंबर वन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये वन मार्क का क्वेश्चन दिया है। नो डाउट आप इजीली समझ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा होता है। यहाँ माइनस कॉस टू एक्स लिखा हुआ है ऊपर, और डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हाफ साइन टू एक्स। ओके, वन मार्क में जल्दी जल्दी कर हो जाता है सम सब। माइनस टू बाहर, ये कॉस टू एक्स बाई साइन टू एक्स, कॉट टू एक्स डी एक्स, यानी माइनस टू लॉग साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट टू, ये टू टू कैंसिल, माइनस लॉग साइन टू एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये वन मार्क का क्वेश्चन था, आप जितना जल्दी कर सके करें। 2017 में वन मार्क का एक क्वेश्चन, फिर टू मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन। 2017 में टेक्निक है वन मार्क, टू मार्क और फोर मार्क्स का। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा वेरी करता है, कभी कभी दो क्वेश्चन फोर मार्क्स के, कभी दो तीन क्वेश्चन टू मार्क्स के दे दिया है। चलिए 2017 में क्वेश्चन नंबर दो है आपका, डी एक्स बाई 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx तो लिख चुके हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन मिलने से बहुत बार कर चुका है नो डाउट, फिर भी बताना चाहूंगा, इसको अगर फैक्टराइज कर सके तो करिए, नहीं तो होल स्क्वायर में जाएंगे। फैक्टराइज नहीं होगा, 8 का फैक्टर 2 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं आता है। चलिए कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करते हैं इसको। 5 माइनस कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करना है, नेगेटिव पहले कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x डी एक्स बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 16, हमने एक्स्ट्रा 16 माइनस 16 हुआ प्लस 16 दीजिएगा, 16 प्लस 5 21, ये ए स्क्वायर हुआ रूट देके माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, वही जो कहा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स प्लस 4 बाई ए 21 प्लस सी, टू मार्क्स का क्वेश्चन था। 2017 में वन मार्क्स का एक क्वेश्चन, टू मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट फोर मार्क्स का एक। एक बात ध्यान दीजिए, सीबीएसई में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, लेकिन पैटर्न तो बार बार रिपीट हो रहा है। न्यूमेरिकल बात क्या रिपीट होगा, टू के जगह क्या टू ही लिखा आएगा बार बार, नहीं, लेकिन पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ज्यादातर देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन सब देता है। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, गलत लिखा सॉरी, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 5 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, पार्शियल फ्रैक्शन का है नो डाउट, कॉस थीटा डी थीटा है तो साइन थीटा को पुट करेंगे, साइन थीटा को पुट करूंगा यहां, साइन थीटा इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, लेकिन साइन डिनोमिनेटर में पूरा साइन होना चाहिए, उसको पहले बना दो, कॉस थीटा डी थीटा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां ब्रेकेट में 5 माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा डी थीटा ये हो चुका है, ठीक है, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 5 माइनस 4 1
5 minus 4, 1 minus minus plus 4 sine square theta. ठीक, अब substitute भी कर दो, cos theta d theta का मतलब dt divided by 4 plus t square, यहां 1 plus 4 t square. यहां भी quadratic, no doubt, दो quadratic factor है, लेकिन numerator में कुछ भी नहीं. हम लोग इजी हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं. क्या तरीका कि ऐसा ही लिखे, मतलब दिखाता हूं. sin थीटा को हमने t पुट किया था, sin थीटा इक्वल टू t, हीट एंड ट्रायल में इन दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ऊपर में 1 चाहिए मतलब t नहीं चाहिए. ये वेरिएबल पहले अलग करें, वेरिएबल अलग करने के लिए कोई भी एक पार्ट लिखता हूं, 1 plus 4 t square लिखा, बीच में 1 by 4 plus t square लिखा. अब LCM लेने से यहां 4 plus t square आता है, 4 plus t square minus 1 minus 4 t square आता है, जबकि यहां भी अगर 4 होता तो ठीक था, तो यहां 4 बना. अब फिर से एक बार देखिए, LCM ठीक है, वही होगा यहां 16 minus, sorry, plus 4 t square minus 1 minus 4 t square. 4 t square, 4 t square cancel, 16 से 1 का 15, ऊपर 15 extra आ जाता है, तो 1 by 15 dt. Separate कर दूं, 4 by 15 1 by 1 plus 2t का स्क्वायर dt minus 1 by 15, ये है 1 by 2 स्क्वायर plus t स्क्वायर, बीच में यहां भी प्लस, बीच में यहां भी प्लस, 4 by 15, यहां t में कोफिशिएंट 2 है तो 1 by 2, फिर जो रूल हो 1 by a, a का वैल्यू यहां 1, tan इनवर्स x by a 2t by 1 माइनस 1 by 15, 1 by a मतलब 2, tan इनवर्स x by a t by 2, 2 2 कैंसिल, 2 by 15, tan इनवर्स 2 t, t को पकड़ा था sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 1 by 30, tan इनवर्स t पकड़ा था sin थीटा by प्लस. ये इजी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन 2017 में, 2018 में क्वेश्चन देखते हैं. 2018 में भी दो क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स एक 4 मार्क्स, 17 का हो चुका है, 18 का करता हूं. का क्वेश्चन एक 2 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है. 2018 क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स वाला, cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. इजीली आप cos 2x का फार्मूला लिखेंगे, cos square x minus sin square x, क्योंकि 2x नहीं होना चाहिए, x x है, तो पहले एंगल हम चेंज करते हैं, फिर देखा जाएगा. y cos square x, पहले एंगल के बारे में सोच रहे थे, तो ये हुआ cos square x minus sin square x plus 2 plus sin square x by cos square x dx, यानी 1 by cos square x dx मतलब sec square x dx मतलब 10x, 2 marks के लिए ठीक था, plus c कौन? 2 marks का question 2018 का. अब 2018 में 4 marks वाला जो है वो फिर partial fraction से चलिए कर. अब
पार्शियल फ्रैक्शन यानी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे एग्जामिनेशन के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन, इसमें पैटर्न दिया गया, आपको पैटर्न सीखना। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एक्स, फिर वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तो रेडी किया हुआ डी एक्स भी इधर लिख दो, यहाँ रेडी है साइन एक्स ऊपर में कॉस एक्स, मतलब रेडी है का मतलब साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और डिनोमिनेटर देखता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स डी टी यानी टू डी टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टी वन प्लस टी स्क्वायर। इसको टू लेके ही चले, वन माइनस टी लीनियर फैक्टर, वन प्लस टी क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी ए बाय लीनियर फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी बी टी प्लस सी बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर डी टी इक्वल टू, अगर करना चाहूं तो कर ही देता हूं, इंटीग्रेशन ए वन बाय वन माइनस टी डी टी प्लस बी टी डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस ए लॉग वन माइनस टी प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन वन प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टी डी टी, जबकि ऊपर में टी डी टी है, तो बी बाई टू लॉग वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टेन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट दूंगा। ये आपका आंसर रहा, इसमें एबीसी बिठाना है, एबीसी बिठाना है, पार्शियल फ्रैक्शन हमने इस पार्ट में किया था, इसको एक्सप्लेन कर पाऊ। टी का वेल्यू साइन एक्स हमने लिया था टू बाई वन माइनस टी, फिर वन प्लस टी स्क्वायर को ए बाई वन माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। न्यूमेरेटर टू इक्वल टू ए के साथ वन प्लस टी स्क्वायर प्लस बी टी के साथ वन माइनस टी प्लस सी के साथ वन माइनस टी। हमें जरूरत है सिर्फ इस पोर्शन का, जो हमारा आंसर है इसका यूज है, ये सब मिटा दे। ए बी सी का वेल्यू बिठाना है, टी का वेल्यू साइन टी लिखना है। यहाँ हुआ टी इक्वल टू वन लेता हूं, बहुत बात हो चुका है बात, वन माइनस टी इक्वल टू जीरो, इससे टू इक्वल टू वन लिया तो वन प्लस वन टू ए, ये जीरो ये जीरो, इंप्लाई ए इक्वल टू वन। ये एक पार्ट काम का है हमारा, ए इक्वल टू वन ये काम का है, मिटा दू, ए निकल चुका है बी के लिए। यहां अब कोई फैक्टर जीरो नहीं होता है तो टी इक्वल टू जीरो, टू इक्वल टू जीरो लेने से ए, ये वाला पार्ट जीरो, जीरो लेने से प्लस सी, टू ए का वेल्यू वन प्लस सी, टू माइनस वन वन, सी का वेल्यू वन। ए और सी निकल चुका है, बी निकालना है, टी कुछ लेता हूं, अब टी इक्वल टू क्या लू, जीरो ले चुका हूं, वन भी हम ले चुके हैं, टू लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू इक्वल टू टू लिए हमने, टू टू जब फोर प्लस वन फाइव ए, टू लिए है प्लस बी इंटू टू वन माइनस टू माइनस वन प्लस सी वन माइनस टू माइनस वन, टू इक्वल टू फाइव ए माइनस टू बी माइनस सी, टू इक्वल टू फाइव ए, मतलब फाइव ए का वेल्यू वन माइनस टू बी सी का वेल्यू वन, टू इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर माइनस टू बी, इंप्लाई टू बी इक्वल टू नेगेटिव को इधर लाया फोर माइनस टू, यानी टू बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू बी वन, यानी ए का वेल्यू वन, बी का वेल्यू वन, सी का वेल्यू भी वन, और टी का वेल्यू साइन एक्स पुट कर दो, आंसर हमारा कंप्लीट है।
ये कर रहे हैं हम अभी 2018 का क्वेश्चन, इसके बाद 2019 क्वेश्चन करके ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, ईयर का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर डेफिनेट पार्ट हमें शुरू करना है। चलिए इधर कंटिन्यू आंसर वाला पार्ट, ये कंटिन्यू इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू 1 यानी माइनस लॉग 1 माइनस टी का वैल्यू साइन एक्स प्लस बी का वैल्यू भी 1 तो 1 बाई 2 log 1 plus t square 1 plus sin square x plus c का वैल्यू भी 1 तो 1 tan inverse t, t माने sin x plus c। अगर एक बात यहां एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, tan inverse sin x को हम हटा सकते हैं इस तरीके से, tan inverse नहीं, tan inverse sin x को छोड़िए, ऑल दैट कंप्लीट आंसर यहां तक, यहां कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए मिटा दें। टू थाउजेंड एटीन कर चुके हैं, 2019 की बात थोड़ा ध्यान दें, 2019 इसमें 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स दिया गया है, 2 मार्क्स फिर 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, क्या है देखते हैं। 2 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन sec स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स प्लस 4, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, tan x इक्वल टू t तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, सिंपल में ये dt बाय रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी log t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 यानी log t का वैल्यू 10x प्लस रूट ओवर 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। 2 मार्क्स के लिए ठीक ही था क्वेश्चन, 2 मार्क्स 2019 का 2 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन, फटाफट निकाल दूं, जल्दी कंप्लीट कर लेता हूं, नहीं तो बोरिंग हो जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2019 का 2019 1 माइनस साइन 2x dx, यहां कंडीशन दिया हुआ है x लाइज बिटवीन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2, यहाँ कुछ खास बात है, 1 माइनस साइन 2 थीटा जनरली हम लोग लिखते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ एंगल कंडीशन दिया हुआ 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्लियर कर दूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कौन सा लिखूं। इन जनरल आप बोलेंगे एक ही तो बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव तो खत्म ही हो जाता है कॉमन लेने से, लेकिन नहीं, यहाँ बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें a माइनस बी जो लिख रहा है हमेशा ये वाला पार्ट ग्रेटर होना चाहिए, ये वाला पार्ट स्मॉलर होना चाहिए, मतलब अंदर में पॉजिटिव मेंटेन रखना चाहिए, इसलिए यहाँ सोचना है एंगल का वैल्यू 45 से ज्यादा 90 तक 45 से ज्यादा में cos थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है, ऐसा सोच लें cos 90 में गलत बोला, cos थीटा का वैल्यू कम होता है, cos 90 जीरो हो जाता है, sin 91 हो जाता है, इस एरिया में π/4 के बाद sin इज ग्रेटर, शुरुआत में जीरो में sin 0 0 cos 0 1, शुरुआत में cos इज ग्रेटर, 45 के बाद sin इज ग्रेटर, साइन ग्रेटर तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर, अगर उल्टा लिखा तो ये रॉन्ग होगा और मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें, 45 से ज्यादा में साइन इज ग्रेटर, रूट हट गया, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का माइनस पहले था साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर। इंपॉर्टेंट बात यही था, होल स्क्वायर थोड़ा संभल के लिखे। 2019 का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन बाकी है, ये दोनों भी देख ही ले।
ये भी 2 मार्क्स में दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2019 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन इनवर्ट बाई पार्ट्स वाला क्वेश्चन देते 2 मार्क्स। चलिए करते हैं, इनवर्स वाला पार्ट को नोट और बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx बात कॉम्प्लीट। ये x साइन इनवर्स 2x माइनस यहां d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, फिर 2x का एक 2 इधर, फिर इंटीग्रेशन x x साइन इनवर्स 2x माइनस 2 बाहर कर दो कर x dx 1 माइनस 4x स्क्वायर x साइन इनवर्स 2x माइनस 2 1 माइनस 4x स्क्वायर को t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया माइनस 8x dx इक्वल टू 2t dt यानी x dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 t dt माइनस 1 बाय 4 t dt डिवाइडेड बाय t। इक्वल टू ये वाला पार्ट नो चेंज, एक्स साइन इनवर्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 बाई 4 1 बाई 2 2 इंटू 1 बाई 4 2 2 कैंसल डिनोमिनेटर में 2 1 बाई 2 ये टी टी भी कैंसल तो डायरेक्ट डी टी का इंटीग्रेशन टी एक्स साइन इनवर्स 2x माइनस हाफ t का वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस 4 x स्क्वायर प्लस c 2 मार्क्स में दिया था ये। और राइट लास्ट क्वेश्चन है 2019 का 4 मार्क्स वाला और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। पार्शियल फ्रैक्शन का रिसेंटली हर एक ईयर में क्वेश्चन आया है, एवरी ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा। 2009-10 में थोड़ा चेंज भी था लेकिन इधर रिसेंटली सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन 3x प्लस 5 गलत बोला मैंने, ये पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 नोट, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या मिडिल टर्म होगा क्या, यहां तक कंप्लीट हुआ आंसर उसका भी देख लेते हैं। पैटर्न अलग होगा आंसर का लेकिन इसको फैक्टराइज मेथड, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बेकार किया हमने, 3x plus 5 divided by x square plus 3x minus 18 इसको 3x plus 5 divided by ये x square plus 3x minus 18 18 मतलब 6 into 3 तो x square plus 6x minus 3x minus 18 x common देने से x plus 6 minus 3 common देने से x plus 6 यहाँ x plus 6 into x माइनस 3 इजीली हो जाता है, बेकार हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया उसमें बहुत टाइम चला गया। चलिए इसको लीनियर फैक्टर है बहुत इजी दिया है, a by x plus 6 plus b by x minus 3 dx a log x plus 6 plus b log x minus 3 आंसर हो चुका है। सिर्फ अब पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट दिखाना है आपको, ये 3x plus 5 divided by x plus 6 x minus 3 को हमने लिखा था minus 18 ठीक है, तो 6 में बोल दे ठीक है, a by x plus 6 plus b by x minus 3 LCM लेने से 3x plus 5 equal to a के साथ x minus 3 plus b के साथ x plus 6 x equal to 3 लेता हूँ, 3 जा 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 3 लेने से ये 0, 3 लेने से 6 प्लस 3 9 b का वैल्यू 14 बाय 9 log x माइनस 3 14 बाय 9 और
x इक्वल टू माइनस सिक्स लेने से माइनस सिक्स माइनस माइनस एटीन प्लस फाइव माइनस थर्टीन इक्वल माइनस सिक्स लिया ये वाला पार्ट जीरो यहाँ माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन ए ए का वैल्यू थर्टीन बाई नाइन लॉग एक्स प्लस सिक्स वहां देखने में मिस्टेक हुआ फैक्टराइज होता था फैक्टराइज होने से सजेशन यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन में करें नहीं तो आप फैक्टराइज नहीं करके कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर करना चाहते हैं वो भी करें अभी आपने देखा फैक्टराइज में होने से पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत इजी जल्दी हो जाता है उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है आंसर का पैटर्न भी अलग आता है ये तो कंटिन्यू हमने 2019 तक कर चुके हैं एक दो सम और करके मैं डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करूंगा आप शेयर एंड सब्सक्राइब